नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बिहार में फिर से एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लगाई गई है। ऐसे में पटना में भी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो व्यावसायिक गतिविधियां है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको फिलहाल तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना के कारगिल चौक से, वो चौराहा है जहाँ पे आम दिनों पे काफ़ी हलचल रहती थी, लेकिन आज लॉकडाउन के कारण पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही जो काम की गाड़ियां है, जो इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन है, वही सिर्फ चल रहे हैं। बाकी रोड कितना सन्नाटा है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अभी हम पटना के कारगिल चौराहे पे खड़े हैं, फिलहाल आपको चारों तरफ से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हो ये कि जो नगर निगम के कर्मी हैं और भी जो लोग हैं यहाँ पे प्रशासन के साथ, जो है कि बिना मास्क पहने हुए लोग जो सड़क पे नजर आ रहे हैं उन्हें जो दंडित किया जा रहा है। फिलहाल आइए आपको हम तस्वीरें यहाँ से दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि नगर निगम के पदाधिकारी है, बिहार पुलिस के भी जवान है और ये लोग लॉकडाउन को बड़ी ही सख्ती से पालन कराने में जुटे हुए हैं। यदि इसके दौरान यदि बिना मास्क के लोग कहीं नज़र आ जाते हैं तो फिर उन्हें दंडित किया जाता है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि बिना मास्क का घूम रहा था, उन्हें नगर निगम के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके तरफ से रोका गया है और पूछा जा रहा है कि वो मास्क पहन के क्यों नहीं चले हैं। चलिए आपको इनसे हम, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कोरोना काल चल रहा है, आप कहाँ से आ रहे हैं ये पहले बताइए, कहाँ से आ रहे हैं ये बताइए। अच्छा, क्यों आप घर से बाहर क्यों निकले हैं ये बताइए। सामान लाए। कौन सा सामान लेने के लिए? सब्जी। कहाँ है झोला आपके पास, कहाँ ये बताइए। आपको नहीं पता है बिहार में लॉकडाउन है और मास्क पहन के बाहर निकलना है? आपको पता है मास्क पहन कर बाहर निकलना है, कोरोना चल रहा है, तो फिर आप मास्क क्यों नहीं लगाए ये बताइए। छूट गया तो इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, आपको पता है ना, इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो मास्क यदि आपने गलती से छोड़ दिया है तो प्रशासन की तरफ दंडित किया जाएगा। क्या दंडित किया जाएगा, ये बता सकते हैं? जो भी लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं 50 रुपये को फाइन लगता है। बिल्कुल, जो लॉकडाउन है और कोरोना के संकट को देखते हुए संकट से निपटने का जो मास्क है बहुत ही सरल से उपाय है। यदि आप मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं तो कोरोना से आपको कुछ राहत मिलेगी। ऐसे में पटना प्रशासन की टीम भी सड़क पर उतर चुकी है और यदि आप बिना मास्क के सड़कों पर निकलते हैं तो फाइन भी वसूली जाएगी। फिलहाल आपको तस्वीरें पटना के कारगिल चौक से आपको दिखा रहे हैं लॉकडाउन की, जहाँ पे अमूमन प्रतिदिन हजारों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, अमूमन बहुत ही भीड़ रहती है, लेकिन आज जो यहाँ चौराहे की जो स्थिति है बिल्कुल ही सन्नाटा है। बहुत ही कम गाड़ियाँ चल रही है, बहुत ही कम लोग काम के निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर सिनेमा हॉल तो काफ़ी दिन से बंद है, मॉल्स भी है काफ़ी। यहाँ पे अक्सर ठेले पे जो गरीब गुरबे के लोग हैं यहाँ पे लगातार ठेले लगाते हैं रोड किनारे और अपनी दैनिक जीवन गुजारते हैं। लेकिन यह लॉकडाउन, चूँकि पिछले 3 महीना भी लॉकडाउन लगाई गई थी लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही बरती गई है, उसको लेकर के कोरोना की संकट इतनी गहराई है और आज फिर से बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाई गई है। फिलहाल आपको पटना के कारगिल चौक से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सन्नाटा का, जहां पे लॉकडाउन के पालन कराने के लिए प्रशासन भी जो है कि सख्ती से निपट रही है। बिना मास्क निकले यदि सड़कों पे तो भी चलान, यदि बिना काम के आप निकले हैं सड़कों पे तो भी आपको दंडित किया जाएगा। इस लॉकडाउन में प्रशासन सख्ती से पालन कराने के लिए बेवजह सड़क पे जो घूम रहे हैं लोग हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है और प्रशासन की तरफ से उन्हें दंडित किया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी कम लोग यहाँ आज निकले हैं सड़कों पर, जिन्हें ज़रूरी काम है, जिन्हें कुछ एसेंशियल सर्विस है, वही सिर्फ सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। और कुछ टैक्सी जो है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से परिवहन में कुछ छूट दी गई है ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए कुछ छूट भी इन्हें दी गई है। आप देख सकते हैं पटना के कारगिल चौक पे जहाँ जो बेवजह गाड़ियाँ तो नहीं घूम रही है लेकिन जो टैक्सी, जो परिवहन से जुड़े जो वाहन चल रहे हैं, जो लोगों को एक दूसरे जगह पहुँचाने में काम आ रहे हैं, वो जो है कि यहाँ पे चल रहे हैं। और इसी बीच एक तस्वीरें निकल कर के आ रही है, आप हम चाहेंगे कैमरा मैन के जो कि ये कैमरा को जूम करके दिखाएं कि किस प्रकार से पटना के कारगिल चौक पे गन्ने का जूस का दुकान यहाँ लगा हुआ है। और चूंकि ये लॉकडाउन चल रहा है, पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन है, ऐसे में पटना कारगिल
चौक पे गन्ने का दुकान लगा होना वहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी प्रशासनिक रवैया को यहाँ की जो ढील है उसको दर्शाता है। प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं उसको मना ही नहीं की गई है। जो एकम दुकम दुकान है पटना में, कुछ ही दुकान जो छिटपुट तरीके से है वो खुली हुई है, बाकी जो तमाम दुकानें हैं जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसको बंद रखा गया है। कोई भी बेवजह गाड़ी भी सड़कों पर नहीं निकल रही है, जो ज़रूरी है इसेंशियल है वो निकल रही है, क्योंकि कोरोना में जो पटना की आंकड़ा है कोरोना काल में काफ़ी चौंकाने वाली है। क्योंकि संपूर्ण प्रदेश भर में पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो 1000 से प्रतिदिन के आंकड़ा आ रहा है, उसमें पटना में सिर्फ तकरीबन आज भी 200 से ऊपर का आंकड़ा मिला है। ऐसे में हमारी सावधानी और हमारी सुरक्षा ही हमारी कोरोना से बचाव का रास्ता हो सकता है। तो लॉकडाउन में जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ, अपने सहयोगी प्रेम के साथ, विकास कुमार, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क पटना।